पति की मौत के बाद जेठ जेठानी और सास ने विधवा बहू की मारपीट कर घर से निकाला। पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी में पति की मौत के बाद ससुरालियों की प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ एसपी ऑफिस में पहुंचकर ससुरालियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने महिला को जांच के लिए कार्यवाही का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार अमोला थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमोला की रहने वाली संगीता लोधी उम्र 28 वर्षीय ने बताया कि उसके पति कि 1.5 साल पहले इन्फेक्शन और पथरी की बीमारी के चलते मौत हो गई। पति की मौत के बाद ससुरालियों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि उसके जेठ राम कुमार, जेठानी किरण और सास रामश्री उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। मैंने इसकी रिपोर्ट अमोला थाने पर की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। महिला ने बताया कि जेठ उसके पति के हिस्से की पैतृक जमीन पर कब्जा करना चाहता है, ऐसे में अपने दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे सहारा देने से मना कर दिया। पीड़िता ने ससुरालियों के खिलाफ कार्यवाही और पति के हिस्से की पैतृक जमीन दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? संगीता। कौन सी जगह से आई हो आप? अमोला। अमोला से आई हो? हाँ। प्रॉपर अमोला की रहने वाली? हाँ, प्रॉपर अमोला 3 नंबर से। अच्छा, क्या समस्या लेके आई हो यहाँ एसपी ऑफिस से? इस समस्या लेते के आए हैं, जब से हमारे पति खत्म हुए, जब से जेठ परेशान कर रहा है, जेठ जेठानी सास। क्या नाम है तुम्हारी जेठ का? जेठ का नाम है राम कुमार। अच्छा, क्यों परेशान कर रहा है वो? रहने नहीं देता है वो। क्यों नहीं रहने देता आपको? इसलिए रहने नहीं दे रहा है, कहे कि जहाँ जमीन उसी को मिल जाए। अच्छा, वो जमीन पे कब्जे करने के चक्कर? जमीन पे कब्जे, जमीन करनी नहीं दी उसने। अच्छा, जमीन नहीं करनी दी, वो कुछ जमीन तिन्हारी में है, सत्यनारी की जमीन वो ठेका में दे आया 30,000 में। अच्छा, तो अभी आपके अभी आप कहाँ रह रही हो? अभी हम ये मारपीट करी थी पापा होने, हम कमरा में बंद थे, जो सौ नंबर लगा नहीं था, एक पुलिस वाले को फोन आया था, उससे भी बात हुई थी, सुबह कह रहा बेटा हम 100 नंबर भेजते हैं, 100 नंबर नहीं आई तो हम 12:30 बजे हमारे पापा आए, तो 12:30 बजे हम बस अमोला थाने पे गए रात में। थाने पे सुनवाई नहीं हुई क्या आपकी? नहीं, थाने पे तो तार ही लगा था, पुलिस ही नहीं थी वहाँ पे, तो अच्छा पुलिस नहीं थी, तो बस फिर पापा मैंने उसी टाइम फिर 1:30 बजे हमें घर लगा झांसी।